हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ आनंद प्रजापति। आई होप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं रीजनिंग के कुछ क्वेश्चन कराने वाला हूँ। अगर आप एयरफोर्स नेवी का प्रिपरेशन कर रहे हैं या किसी भी एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करते हैं तो कहीं ना कहीं आपको रीजनिंग के क्वेश्चन दिखाई देते हैं। तो रीजनिंग का क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो ये आना भी चाहिए। ये हमारे लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि लाइफ के रूटीन में ये आपको बहुत ही हेल्पफुल करता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि देखिए, देखो आपको पहला क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, जहाँ पर पहला नंबर है 23, फिर 29, फिर 36, 44। यहाँ शुरुआत में आपको क्या करना होता है कि इन नंबरों के बीच में अंतर देखो कितना आ रहा है। पहले अंतर देखो, पहले नंबर के बीच में कितना अंतर है, पहले नंबर के बीच में अंतर आपका आ रहा है 6। फिर 29 और 36 के बीच में अगर अंतर देख रहे हो तो कितना आ रहा है, 7 आ रहा है। तो 36 और 44 के बीच में देखो तो 8 आ रहे, तो इसका मतलब 44 और आगे के नंबर में कितना अंतर आएगा, 9 का अंतर आएगा। तो इसका मतलब 44 प्लस 9 कर दें तो हमारा पता चल जाएगा क्या होगा। 44 प्लस 9 करें तो आगे हमारा 53, 53। इसका मतलब आपका सी ऑप्शन सही है। तो सीरीज ऐसे सॉल्व करो तो आसानी से सॉल्व हो जाता है। वो मत देखो कि हाँ इसका तुक्का लगाना कोशिश, सॉल्व करोगे आ जाएगा, आसान होता है। तो दूसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, दिया गया है 66, दिया गया 56, दिया गया 48, दिया गया 20 का डिजिट गायब है और 38 दिया गया, 36 गया। अब यहाँ पर देखो तरीका क्या हो सकता है सॉल्व करने का, वही तरीका पहले अपनाओ जो मैंने बताया। देखो यहाँ से 36 और पीछे लास्ट से आप यहाँ सॉल्व करना, 36 और 38 के बीच में अंतर कितने हैं, 2। तो अब यहाँ पर डिजिट गायब है तो इसके बीच का अंतर पहले निकालो, 38 और 56 के बीच में अंतर कितना आ रहा है, 8 का आ रहा है, और इन दोनों के बीच में अंतर कितना आ रहा है, 10 का आ रहा है। तो इसका मतलब यहाँ जो डिजिट गायब है वो कितने का अंतर होगा, 4 का हो सकता है, 4 आएगा तभी तो 48 और उस डिजिट के नंबर निकालेंगे तो 6 आएगा। तो इसका मतलब ये जो सीरीज चल रहा है 2, 4, 6, 8, 10, तो अब देखो 38 में जब 4 जोड़ दोगे, 38 में जब 4 आप जोड़ोगे तो कितना आएगा, ये हो गया इतना 42। तो इसका मतलब इसका सी ऑप्शन सही है। तो ऐसे सॉल्व करोगे तो आसानी से सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन, ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं आता, मैं फिर से बता रहा हूँ। तो अब तीसरे क्वेश्चन पर चलते हैं, देखते हैं तीसरे क्वेश्चन में क्या है। निम्न शब्दों का प्राकृत क्रम में रखने पर क्या होगा। प्राकृत क्रम क्या होता है कि जो प्राकृत में दिया गया है उसके नेचर में अगर रखा जाए कोई चीज़ तो क्या होगा। तो ये हमें जानकारी होगी तभी तो हम रख पाएंगे, क्योंकि रीजनिंग का क्वेश्चन आपको ऐसा फंसाता है कि उसके बारे में जानकारी होनी, हर चीज़ के बारे में जानकारी, कहीं हिस्ट्री से पूछ सकता है, कहीं ज्योग्राफी से, कहीं भी वो घुमा के पूछ सकता है। तो इसलिए हमें हर चीज़ पढ़ना पड़ता है। तो देखो यहाँ पर देखो, पहले हमें पता होना चाहिए गैलेक्सी क्या है। गैलेक्सी क्या होता है, गैलेक्सी में हमारा सूर्य और बहुत सारे तारों से मिलकर बना होता है, अरबों तारों से, 100 अरब तारे हैं उसके अंदर, और जिसमें से हमारा सूर्य भी एक है। तो गैलेक्सी के अंदर सूर्य है, सूर्य के साथ पृथ्वी, फिर पृथ्वी के साथ चंद्रमा। तो इसका मतलब क्रम में क्या होगा, पहले गैलेक्सी आएगा, फिर सूर्य आएगा, फिर पृथ्वी आएगा, फिर चांद। यहाँ से सूर्य के बारे में एक चीज़ बताता हूँ, सूर्य जो है वो गैलेक्सी का चक्कर लगाने में 250 किलोमीटर प्रति सेकेंड से चक्कर लगाता है, और इसको ये चक्कर पूरा करने में 22.5 वर्ष लग जाते हैं। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट, क्या इम्पॉर्टेंट नहीं, ये मतलब कि लॉजिक इसका देखो, गैलेक्सी इतना बड़ा है और कई गैलेक्सियों से मिलकर हमारा ब्रह्मांड, मतलब 100 अरब गैलेक्सियों से मिलकर हमारा ब्रह्मांड बना है। सोचो ब्रह्मांड कितना बड़ा है, कल्पना नहीं किया जा सकता कितना बड़ा है। तो चलते हैं फोर क्वेश्चन पर। फोर क्वेश्चन ने दिया है, यदि ई बराबर 5, होटल इक्वल टू 60 है तो लैम्ब का क्या होगा। तो इसके लिए आपको ए बी सी डी याद करना पड़ेगा, तो वैसे तो याद होगा पर नंबर से याद करना पड़ेगा। मतलब मैं पूछ लूँ टी कितने नंबर पर है तो तुरंत जुबान पर हो कि टी 20वें नंबर पे है, क्यों कितने नंबर पे, 17 नंबर पे,
एल कितने नंबर पे है, तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, तभी ये सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। इसको याद करने का एक ट्रिक भी, इजोटी से, इजोटी जो होता है लास्ट के ए बी सी डी के नंबर होते हैं, वहाँ से आप याद कर सकते हो। तो देखिए इसको याद कर लेना, तभी सॉल्व होगा ये क्वेश्चन। पहले याद कर लो, फिर इसको आराम से देखना वीडियो। तो देखो E5 नंबर पर है, तो यहाँ पर देखो क्या किया जा सकता है। होटल दिया है, H कितने नंबर पे आता है, 8 नंबर पे, और O कितने नंबर पर, 15 नंबर पर। देखो मैं प्लस क्यों लगा रहा हूँ, अगर हम मल्टीप्लाई करें तो बहुत ज़्यादा लंबा डिजिट हो सकता है, तो इसका मतलब हम प्लस करके ला सकते हैं। O कितने नंबर पे है, 8 नंबर हो गया 15। T कितने पे है, 20 हुआ। और E कितने नंबर पर है, E है 5 नंबर पर। और L कितने नंबर पे है, तो वो है 12 नंबर पर। तो इतना हुआ, इसको अगर जोड़ते हैं देखो, 20 5 कितना हो गया, 20 5 कितना हो गया, 25 25 15 कितना हो गया, 40 हो गया, 40 और 12 8 कितना हो गया, 48, 48 12 कितना हो गया, 60। इसका मतलब 60 आ रहा है, ये सही है। तो इसी के हिसाब से इसको करेंगे तो क्या वही आएगा, आना चाहिए, क्योंकि रूल पर रूल काम कर रहे हैं ना। एल कितने पे है, एल है 12। ए कितने पे, 1। एम कितने पे है, 13। और बी कितने पे है, 2। इन दोनों को जोड़ दो, 12 1 13, 13 13 26, 26 27 28, 28 आएगा। यहाँ पर मुझे लगता है मैंने राइटिंग लिखते टाइपिंग करते समय गलत कर दिया, तो इसका आंसर जो आएगा आपका 28 आएगा। तो ये मैंने टाइपिंग में गलत की है, तो वो 28 का आंसर आएगा, तो वो ध्यान ना दीजिए ऑप्शन। तो इसका 28 आंसर आएगा, वहाँ ऑप्शन नहीं गलत होगा, यहाँ पर गलती हो गई, वहाँ पर ऑप्शन का गलत होना नहीं होने वाला है, तो वो फोकस ना करें। तो चलते हैं पांचवे क्वेश्चन पर। पांचवा क्वेश्चन है, कैट दिया गया है, फिर FDW दिया गया, IG जेड दिया गया है, तो आगे का डिजिट पूछ रहा है क्या होगा। तो यहाँ से सीरीज पहले बनाते हैं, कंपेयर करते हैं। सी दिया है, सी कितने नंबर पे है, तीसरे नंबर पर है। तो एफ देखो कितने पे है, अब हमारा आता है जैसे E5 पे है, तो एफ कितने पे, 6 पे आएगा। तो 6 पे आएगा, तो इसका देखो 3 3 हो गया। एफ कितने पे हुआ, 6 हुआ। तो आई कितने पे है, 9। इसका मतलब 3 का अंतर आ रहा है, ऐसे इसका देखा जाए तो इसके आगे क्या आएगा, 9 में अगर हम 3 जोड़ दें तो 12 होगा। तो 12 किस पर आता है, एल पर आता है। इसका मतलब आगे का जो डिजिट है एल, इन दोनों में से कोई होगा, इन दोनों में से कोई होना चाहिए। तो ए देखो 1 नंबर पर है, डी कितने पे है, 4 पे है, जी कितने पे आता है, एच, जी एच मैंने बताया 8 पे है, तो जी कितने पे, 7 पर होगा। यहाँ पर 3 का अंतर आ रहा था, मतलब जी के बाद प्लस 3 कर दे तो 10 होगा। 10 कितने पे होता है, जे, तो एल जे, एल जे देखो किस में है, डी ऑप्शन में है, तो इसका मतलब डी इसका सही होगा। तो दो मतलब पूरा सॉल्व नहीं करना है, जहाँ से आपको मैथ्स कर जाए बस वहाँ से आगे बढ़ो। अगर पूरा सॉल्व करते रहोगे तो वही दिन भर करते रहोगे, इतना टाइम थोड़ी रहता है एग्ज़ाम के लिए। आपको अगर नेवी का एग्ज़ाम दे रहे हैं, 60 मिनट में 100 क्वेश्चन करने होते हैं, एयरफोर्स का दे रहे हैं, उसका कुछ और टाइम रहता है, तो वो आप पर डिपेंड करता है कि आप कितनी जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। चलते हैं छः क्वेश्चन, छठा क्वेश्चन है, निम्न में से सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है। तो ये मैंने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, तो इसीलिए मैंने उठाया, इसके बारे में मैं कुछ बताने वाला हूँ, तो ध्यान से सुनना। देखिए सूर्य के नज़दीक कौन सा ग्रह है, वो है बुध ग्रह, पर यहाँ मुझे सूर्य नहीं पृथ्वी लिखना था, जो यहाँ लिख दिया मैंने सूर्य, वहाँ पृथ्वी लिखना था। तो सूर्य के निकट कौन सा ग्रह है, बुध। अब यहाँ मुझे लिखना था निम्न में से पृथ्वी के सबसे नज़दीक ग्रह कौन था। तो पृथ्वी की नज़दीक, क्योंकि देखो जब देखते हो पहले बुध है, फिर शुक्र है, फिर पृथ्वी है, फिर मंगल है, फिर बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। तो यहाँ पर पृथ्वी के निकट कौन कौन से आ जाते हैं, शुक्र और मंगल। अब यहाँ से कन्फ्यूज़न होते हैं कौन सबसे नज़दीक है, तो इनके नज़दीक सबसे है शुक्र ग्रह। तो ये याद रखना, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया है। तो पृथ्वी के निकट कौन सा है, शुक्र है, और शुक्र को पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है। और ये भी पॉइंट याद रखना, शुक्र सबसे चमकीला ग्रह है और सबसे गर्म ग्रह भी है,
गर्म ग्रह देखो, अब यहाँ से ये कन्फ्यूज़न है कि बुध जब सूर्य के सबसे निकट है तो शुक्र ग्रह क्यों सबसे गर्म ग्रह है, क्योंकि यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड की सबसे ज़्यादा मात्रा पाई जाती है। और अब देखो मंगल ग्रह की बात करें तो मंगल ग्रह जो है वो पृथ्वी के बाद आता है ग्रह, और ये ग्रह जो है लाल रंग का दिखाई देता है। इस पर कहते हैं जीवन भी संभव हो सकता है, तो ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अब देखो शनि ग्रह की बात करें तो शनि ग्रह जो है, पहला मैं पूछूं अगर ब्रह्मांड सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है तो वो है बृहस्पति। बृहस्पति के बाद दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है तो वो शनि है। शनि पर एक एक ग्रह है जिसका नाम है, शनि पर एक उपग्रह है जिसका नाम है टाइटन, जो बुध के बराबर है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, टाइटन याद रख लेना कि शनि पर एक उपग्रह है जिसका नाम है टाइटन, वो बुध के बराबर है। सबसे बड़ा उपग्रह कहाँ है? शनि पर है, तो उसका नाम क्या है? ये नाम पूछ लेते हैं, टाइटन। तो ये इम्पोर्टेंट था। चलते हैं सेवन क्वेश्चन नंबर पर। सेवन क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ दिया गया है चिड़िया से मछली, हवाई जहाज़ से क्या? तो चिड़िया से मछली, इसका मतलब हुआ कि चिड़िया जो है और मछली जो है वो प्राकृतिक है, भगवान ने बनाया। तो चिड़िया से मछली, चिड़िया उड़ती है तो मछली पानी में रहती है, तो ऐसे मनुष्य द्वारा बनाया गया हवाई जहाज़ उड़ता है तो पानी में क्या रहता है? पानी की जहाज़। तो इसका ऑप्शन वैसे ही समझ आ रहा है, तो इसका ऑप्शन डी सही होगा, पानी की जहाज़। चलते आगे बढ़ते हैं, आठवां क्वेश्चन है। आठवें क्वेश्चन में दिया गया है, यदि टेक को 2345 लिखा जाए तो टाटा को क्या लिखा जाएगा? तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, तो आप कर सकते हो। आप बताना नीचे कमेंट करके कि इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। आगे बढ़ते हैं, नाइन क्वेश्चन है, वृत्त जो है वो गोला है तो आगे क्या हो सकता है? वृत्त, पहले वृत्त जानते कैसे होते हैं। वृत्त होता है जैसे हम एक सर्कल बना दें, तो ये वृत्त है हमारा। गोला क्या होता है? चारों तरफ से गोल हो तो उसे गोला कहते हैं। तो इसका क्या ऑप्शन ए स्वर्ग नरक हो सकता है? स्वर्ग नरक की बात ही नहीं हो रहा है, तो ये नहीं हो सकते। और चक्र क्या संतरा हो सकता है? चक्र देखा जाए तो वो, ये भी नहीं हो सकता क्योंकि वो मैथ का क्वेश्चन पूछा गया है, हो सकता है ये, पर यहाँ देखो सी ऑप्शन दिया गया। वर्ग क्या घन है? तो वर्ग जो होता है वो कैसा होता है? वर्ग कैसा होता है? जिसकी चारों भुजें बराबर, वो वर्ग होता है। घन क्या होता है? घन जो होता है ऐसे टाइप का होता है, ये घन होता है ऐसा, तो ये घन है, तो ये मैच कर रहा है। वृत्त जो होता है सिर्फ एक समतल पर अगर हम लकीर खींचते गोला तो वो वृत्त होता है, तो यहाँ भी वैसे बन रहा है, तो इसका मतलब ऑप्शन जो है इसका सी ऑप्शन सही है। चक्र संतरा भी कह सकते हैं, पर यहाँ पर जब ये मैच कर रहा है उससे अच्छा मैथ का वो क्वेश्चन पूछा गया तो मैथ का ही लगेंगे ना, तो इसका सी ऑप्शन सही है। और डी जो दिया गया आयत नींबू, तो ये तो कभी नहीं हो सकता, आयत कहाँ नींबू की तरह होता है, तो ये तो गलत है।